ग्रेट आइडिया में। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये पैरासूट का जो कोकोनट ऑयल है इसके बारे में। सो ये है पैरासूट का 100% प्योर कोकोनट ऑयल, बेस्ट बिफोर 18 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपको जो इसकी MFC डेट है उससे 18 महीने तक इसको यूज़ करना। और नेक्स्ट ये है ए प्रीमियम क्वालिटी 100% प्योर ऑयल फ्रॉम मेड द फिनेस्ट कोकोनट्स, यानी कि 100% प्योर कोकोनट ऑयल है जो कि कोकोनट से बना हुआ है। इसकी प्राइस है 206 रुपये और 206 में आपको ये 500 ml प्रोडक्ट मिलता है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ आपको ये प्रोडक्ट मिलता है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है। और बात करें इसकी पैकेजिंग की तो बहुत अच्छी इसकी पैकेजिंग है, यहाँ से ये ओपन होता है, इसमें से आप ऑयल निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में निकालनी है तो आप इसको पूरा ओपन कर सकते हो यहाँ से। और दिखने में अच्छी है इसकी पैकेजिंग, लेकिन ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा भी आप इसको प्रेशर करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट जो है लीक हो जाता है। आपको इसको ऐसे ही रखना है, आप ज़्यादा इसको टेढ़ा मेढ़ा करोगे तो प्रोडक्ट इसमें से लीक होने लगता है। आप देख सकते हो हमेशा इस पर ऑयल बना हुआ होता है इसके चारों तरफ कुछ इस तरीके से। तो ट्रैवल फ्रेंडली तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये 100% कोकोनट प्योर कोकोनट ऑयल है। तो आपको इसको किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी होम रेमेडी आप इसको यूज़ कर सकते हो स्किन के लिए। कोई भी फेस पैक वगैरह में आप इसको डाल सकते हो, कोई भी जो लोशन वगैरह होता है उसमें आप इसको डाल सकते हो। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग होता है ये, डायरेक्ट भी आप अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर सकते हो एज ए मॉइस्चराइजर। आपके फेस पर इसको अप्लाई कर सकते हो, कोई आपको बर्निंग हो गई है, कोई जल गया है हिस्सा, तब भी आप कोकोनट ऑयल को इसको यूज़ कर सकते हो उस हिस्से पर। और मैंने कोकोनट ऑयल के साथ एक कोकोनट ऑयल और आंवला के साथ मैंने एक बहुत अच्छी रेमेडी तैयार की है अपने बालों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आप उस रेमेडी को अगर देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो उस वीडियो के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बहुत ही अच्छा ऑयल मैंने तैयार किया था। बात कर लेते हैं कि ये बालों के लिए किस तरीके से फ़ायदा करता है। तो वैसे तो मैंने इस पूरी बॉटल को लगभग यूज़ कर लिया है, काफ़ी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और सर्दियों में आपको ये ऑयल जो होता है सर्दियों में जम जाता है, तो आपको क्या करना, अपनी हथेली पर चम्मच से थोड़ा सा ऑयल लेना है और उसको थोड़ी देर के लिए ऐसे अपनी हथेली पर रखना है तो ईजिली ये मेल्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है सर्दियों में इसको यूज़ करने का कि आप इसको गर्म पानी के किसी टब में उसमें रख सकते हो आप थोड़ी देर के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसमें मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो। और बालों में आपके अगर डैंड्रफ है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और ड्राइनेस की प्रॉब्लम है बालों में, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ही अच्छा वर्क करता है बालों पर। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छा ये ऑयल है। तो ये था मेरा कोकोनट ऑयल के ऊपर रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।